हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइज, अभी आपको यहाँ पे नेक्सॉन दिख रही होगी और उधर आपको एल्ट्रोज दिख रही होगी। तो आज हम इन दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस करने वाले हैं भाई। देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स रहते हैं, क्या नहीं। नेक्सॉन जो है पेट्रोल टर्बो में है भाई, और वो एन ए इंजन है। मतलब जो एल्ट्रोज है ना, वो डी सी ए है, वो एन ए इंजन है भाई। उसमें बस गेयर बॉक्स का फर्क है, वो डी सी ए गेयर बॉक्स है, दो क्लच है उसमें। और ये भाई आपकी, ये देख लो, मैनुअल ट्रांसमिशन। ये लो जी, मैनुअल ट्रांसमिशन। टर्बो और एनए का फर्क है ही, थ्री सिलेंडर दोनों ही। टाटा वर्सेस टाटा का आज कंपटीशन होने वाला है भाई। पावर स्पेक्स की बात करते हैं तो ये वाली गाड़ी निकालती है 113 bhp और 170 nm का टॉर्क, 1200 cc में ये गाड़ी है। और उसकी बात कर लूँ तो वो निकालती है 86 bhp और 113 nm का टॉर्क, 1200 cc में ही वो गाड़ी है भाई। तो देखते हैं भाई क्या रिजल्ट्स रहते हैं, क्या नहीं। देखो, पेपर वाइज तो जो स्ट्रॉन्ग है वो नेक्सॉन है भाई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ आज हम करके देखने वाले हैं कि किस में क्या फ़र्क है, क्या नहीं। देखते हैं, वीडियो में बने रहें, आप लोगों को मज़ा आएगा। और पर्सनली ये वाली रेस करने में हमको भी थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ हैं वो भी 1,00,000 रुपये के ब्रैकेट में आ ही रही है। मतलब 10-11 की कुछ की पड़ती है वो। और ये कितने की पड़ती है हिमांशु भाई, नेक्सॉन कितने की ऑन रोड ये वाली? 14। तो ये भाई 1,400,000 रुपए की पड़ जाती है। तो आप देख लो, आपको अगर पावर वाइज चाहिए तो कौन सी गाड़ी चाहिए, आज वो आपको क्लियर कर देंगे। कंफर्ट वगैरह भी जो है आपका थोड़ा नेक्सॉन में बेटर है भाई। ब्रेजा और ये, और भाई सोनेट, पोनेट, वेन्यू 300, ये नहीं है भाई, ये एसयूवी वगैरह नहीं है भाई, ये तो मतलब क्रॉस ओवर टाइप्स है भाई। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। जो ये वाली गाड़ी है अपने हिमांशु भाई चला लेंगे, और वो वाली गाड़ी रोहन भाई चला लेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं, क्या नहीं। वीडियो में बने रहें, आपको मजा आएगा। रोहन भाई आ गए हमारे साथ, तो भाई आप फोन पकड़ोगे। तो भाई आ गए पहले राउंड में, और कर लेते हैं अपना। ट्रैक्शन तो आता ही नहीं, स्पोर्ट्स मोड डाल लिया, एसी दोनों को ऑफ है, करते हैं स्टार्ट। शीशे ऊपर कर लो। तो गाइस, वीडियो तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही शानदार ऐप के बारे में, जिसका नाम है budmo.com। अभी आप घर बैठे बैठे अपनी गाड़ी का कोई भी स्पेयर पार्ट बिल्कुल आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। कहीं पे भी दरवाजा भटकने की जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, हर गाड़ी का स्पेयर पार्ट मिलेगा आपको budmo.com पे। गाइस, budmo.com पे जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स जेन्युइन प्राइस में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगे, बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स होंगे और बिल्कुल ही जेन्युइन प्राइस में आपको मिलेंगे। इसमें आपको कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी मिलती है, वो भी पैन इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में, ऑल ओवर। आप कहीं पे भी बैठे आप अपनी गाड़ी का स्पेयर पार्ट मंगा सकते हैं budmo.com से। अब मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस समझाता हूं कि आप लोग कैसे अपने घर बैठे बैठे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। भाई, सबसे पहले आपको अपना budmo एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप budmo एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। आप अपनी गाड़ी को विन नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, वरना आप मॉडल वगैरह डाल के भी ऐसे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही गाइस आप ये सब सबमिट कर देंगे, आपके सामने ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी। आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप इसका OEM कैटलॉग भी ओपन कर सकते हैं, जहां पे सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी। और गाइस, ऐसा कुछ चार्ट होगा, और आप इस चार्ट में सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा स्पेयर पार्ट चाहिए अपनी गाड़ी के लिए, और घर बैठे ही वेरियस पेमेंट के थ्रू आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, और budmo जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आपको आपके घर पे डिलीवर करके देगा। गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, किसी भी थ्रू आप इसको पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब अपनी वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। 3, 2, 1। ये वीर जी तो लॉन्च है क्या? वीर जी भाई रह गई अल्ट्रोस, रह गई। थोड़ा हम आराम से चल लेते हैं, 80 पे देखते हैं कवर बना। देख लो पाजी, 82 पे चल रही है। अरे यार, और अल्ट्रोस आ नहीं पा रही है। वीर जी तू सिर्फ बजाओ ना गड्डी, गड्डी बजाओ ना। 100, 102 ऑन रेस दबाती है ऐसी। 120 आ गए हैं, मतलब ही नहीं है वीर जी, मजे ले रहे हो आप तो अल्ट्रोस के। थोड़ा देख ले, ऑटोमेटिकल कुछ कमाल हो गड्डी का। गल पता क्यों नहीं बनती? आप दोनों की है पंजाबी वीर जी, वीर जी, वीर जी, आप दोनों वीर जी है। चलो जी भाई, ते तोड़ा होना बहुत जरूरी है। या तो इस गड्डी ते नाले दूजी गड्डी च की होया बिना आरपीएम होल्ड करे लॉन्च करते, लॉन्च नहीं हो रही। चलो मैं करता हूं, तो मैं करूं लॉन्च। सेकंड राउंड मैं चला रहा हूं एल्ट्रोस। और वीर जी सिटी मोड च पा लो, सिटी मोड च पा लो। चलो जी, चलो करते हैं भाई हम। चलो जी, 3, 2, 1।
अरे 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 ओ भाई तो भाग ही नहीं ये भाग क्यों नहीं रही है ये? अरे भाई भाई ये नहीं भाग रही भाई, क्यों नहीं भाग रही है? अल्ट्रोस भागना भाई, वो सिटी मोड में आगे निकल गई, पंच को पंच ने हरा दिया था भाई उसको जब वो सिटी मोड में थी, ये क्यों नहीं भाग रही भाई? नेक्सॉन ही जीतती है भाई कुछ भी कर लो, पर भाई अल्ट्रोस की ब्रेकिंग और ड्राइविंग डायनेमिक्स भाई बहुत अच्छे हैं भाई। थर्ड राउंड करने का तो कोई फायदा है रोहन भाई? थर्ड राउंड करेंगे पर कुछ ना कुछ बिठाते हैं इंतजाम, ऐसे कैसे हराएंगे तो नहीं इसको जिता के तो भेजेंगे भैया को एक ट्रैक रेस। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं निखिल को भी उधर भेज देता हूँ। तो भाई आ गए अब थर्ड राउंड में और उसमें तीन जने बैठे हैं एसी ऑन स्पोर्ट्स मोड, इसमें मैं अकेला बैठा हूँ और उसमें कोई मोड आता नहीं है, तो अब करते हैं देखते क्या फर्क रहता है भाई। चलो जी करूं 3 2 1। थोड़ा लॉन्च हुआ तो बेनिफिट इसको मिल गया अल्ट्रोस को, पर भाई अभी भी नेक्सॉन निकल जाएगी भाई क्योंकि ये भागती ही नहीं है। वो देखो भाई चल तो साथ साथ रही है पर अभी बहुत धीरे होगी, अबे भाई बहुत ज्यादा धीरे हो गई है तो। अरे ये क्या हो गया इसको भाई, नहीं भाग पाती भाई अल्ट्रोस भाई, अगर यही अगर डीजल वाली होती ना तो नेक्सॉन का मोर बना देती भाई ये, पर भाई देख लो कवर तो कर रही है थोड़ा थोड़ा, ब्रेक ले ली वीडी ने पर भाई ब्रेकिंग हुई हुए भाई। नेक्स्ट इसका अल्ट्रोस का तो फैन हो गया यार मैं भाई, ये क्या टाटा की यार मैं समझ में नहीं आ रहा, जितनी गाड़ी नीचे प्राइस रेंज नीचे आता रहा तो उतनी गाड़ी और अच्छी होती जाती है, ये क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। हैरियर से नेक्सॉन अच्छी चलती है, नेक्सॉन से अल्ट्रोस अच्छी चल रही है, पता नहीं क्या है। अब आ तो रहा है अल्ट्रोस रेसर में, पर भाई गाड़ी अल्ट्रोस रेसर काफ़ी अच्छी कर दी है, बढ़िया होगी अल्ट्रोस रेसर तो, क्योंकि भाई ये तो भाग ही नहीं रही, जितना मर्जी जोर लगा लो इसको ये नहीं भागती भाई, है इसमें कुछ कमी, इंजन की कमी है। चलो भाई वैसे तो गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, करते हैं वीडियो एंड क्योंकि भाई और करने का तो कुछ फायदा नहीं। आपने अगर आप इन दोनों गाड़ियों की ट्रैक करते हो ना भाई तो जो है आपकी नेक्सॉन जीत जाती है भाई, मतलब बढ़िया गैप से जीत जाती है भाई जो आपकी नेक्सॉन है भाई। इनका घर का लोहा है तो सेफ्टी पे तो ध्यान रखेंगे ही ना भाई ये लोग। तो ठीक है गाइस यही कुछ वीडियो थी, 14 लाख वर्सेज 11 लाख आप लोगों ने देख लिया, वो डीसी है भाई टॉप मॉडल है, ये भी टॉप मॉडल ही है भाई, पेट्रोल टर्बो है अगर तो ये भी टॉप है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत सभी का धन्यवाद, जो इनके ओनर हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा चैनल का, और जो उनके ओनर हैं अल्ट्रोस के उनके भी चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहां तक देखी तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।